नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के प्रेस क्लब, और प्रेस क्लब में यहाँ घुमपाट में जिस तरीके से 2009 का जेनोसाइड हुआ था उसी के चलते यहाँ पर आज बैठक थी। तो मैं हमारे साथ है अरुंधति रॉय मैम, जो राइटर भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। मैम, जिस तरीके से ये जेनोसाइड हो रहा है आदिवासियों का, एक तरफ जहाँ पर द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं, एक राष्ट्रपति बन जाती हैं, वहीं एक तरफ जो है आदिवासियों की स्थिति ज्यों की त्यों है और जेनोसाइड हो रहा है, और जहाँ पर हिमांशु कुमार जैसे जब याचिका देते हैं तो वो उनके ऊपर 5 लाख का जुर्माना लग जाता है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? जैसे सोनी सोरी ने कहा, जो बस्तर से है, कि द्रौपदी मुर्मू को जब वो प्रेसिडेंट बनेगी पहले बस्तर जाना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि अपने लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो मैम, जिस तरीके से पहले भी हमारे ही समाज से राष्ट्रपति बने थे लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि भाजपा क्या इसी तरीके के कार्ड खेल रही है, ऐसा लोगों का आरोप लग रहा है? ये तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज खेलते हैं। हमें काम देखना चाहिए, नाम से कुछ नहीं होता है। लेकिन अच्छी बात है, जैसे सबों ने कहा कि पहली बार एक आदिवासी औरत ने को प्रेसिडेंट बनाया गया है, अच्छी बात है। लेकिन अभी उनको अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए। हमारे साथ सोनी सूरी जी भी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं छत्तीसगढ़ की। तो मैम, जिस तरीके से 5 साल तक वो जो 121 आदिवासी जेलों में रखे गए, और जबकि विचारधारा पे जो है विचाराधीन थे और जिनके ऊपर कोई केस नहीं था, कुछ नहीं था, उनको रखा गया, लेकिन उनके जो 5 साल है वो कौन लौटाएगा? वही तो सवाल है, इसी बात को तो हम कर रहे हैं कि उनका 5 साल कौन लौटाएगा, वो कैसे, वो दिन कैसे काटे, उन एक एक दिन एक एक समय का कैसे है, तो उसके लिए सरकार क्यों नहीं सोचती? उसको भी लौटाना चाहिए कोर्ट को, क्यों नहीं किया? सिर्फ बाइज्जत रिहा करने से कोई इंसाफ नहीं होता। उन 5 सालों का भी कोर्ट को सोचना चाहिए था, और उस पर भी वो एक फैसला देना था कि जिन्होंने फर्जी केस लगा के 5 साल, उनके ऊपर भी केस होनी चाहिए, तब ना होता इंसाफ। आज वो लोग गाँव में चले गए और आज उनके पास कुछ नहीं है, घर नहीं है, खड़े होने के लिए उनकी जमीन नहीं है, सब चीज़ तो कसक गई है। उसको दोबारा समटने के लिए फिर से हम लोगों को फिर से एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन इसका लिए अम्मी हमेशा लड़ते रहे क्या, हम आदिवासी या बेल निर्दोष होते हुए जेल जाएं, फिर निकलें, फिर अपनी जमीन स्तर में आके फिर से उनको समट के जिए, फिर जेल जाएं, यही जिंदगी है। बस हम ऐसा लगता है कि हम आदिवासी एक कीड़े मकड़े की तरह बन गए। मैम, जिस तरीके से न्यायालय अपने जो न्याय दे देता है, और जिस तरीके से अंधाधुंध तरीके से आदिवासियों को ठूस दिया जाता है जेलों में, तो क्या ये मतलब देखकर न्याय नहीं करते हैं, और देखकर जो है सबूतों के आधार पर भी, सबूतों के आधार पर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, बिना आधार के ये गिरफ्तार कर लेते हैं, तो ये मतलब ये सब क्या चल रहा है? देखिए, ये किसी भी तरह से आदिवासियों को खत्म करने का है। आज तो 111 लोगों की बात हो रही है, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे जो 2014 से मैं यहाँ से रिहा होने को, आज के डेट में जिनकी रिहाई 500 से 300 से 400 लोग रिहा हो चुके हैं, और वो पूरा निर्दोष के। तो मेरे ये समझ में नहीं आता कि न्यायालय को इस बात को क्यों नहीं लगता कि किसी भी निर्दोषों को ला के करके पाइसत रिहा कर दी, उसके बाद उसकी लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, जिससे इन लोग इस तरह करें। अब उनको लगता है अब रिहा होने के बाद हम आदिवासियों को फिर से एफआईआर की बातें कर रही है सुप्रीम कोर्ट स्पेशल, अब वही करेंगे, तब शायद इनको समझ में आए उसका भुगतान, ताकि मुआवजा सरकार दे सके। अभी बीते ही दिनों में जो है आदिवासियों की महिलाओं के साथ जो बच्चे हैं उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन वहीं एक तरफ द्रौपदी मुर्मू जी उसी क्षेत्र से आती हैं मगर वहां पर लाले पड़े हुए हैं, ये उनके लोगों के सवाल उठ रहे हैं कि उनका आधार कार्ड नहीं बनाया, मगर वहीं प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम आदिवासियों के लिए इतना काम कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, मगर भूखे मरनों की नौबत है उनके लिए। देखो, सरकार तो हमेशा कहती है आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे, अब आदिवासी राष्ट्रपति बन गए, तो आदिवासी राष्ट्रपति बन गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कैसे? ऑलरेडी पहले भी तो राष्ट्रपति कोई और मतलब वर्ग के लोग बने, आज छत्तीसगढ़ में आधा ज़्यादा आदिवासी नेता MLA हैं, फिर वहाँ क्यों मेरे आदिवासी लोग को जेल जाना पड़ रहा है, क्यों मेरे आदिवासियों को कीड़े मकड़े के खाना खाना पड़ रहा है, क्यों वहाँ आदिवासियों के जंगले कट रहे हैं, घरें क्यों उजाड़ा जा रहा है, क्यों बलात्कार हुआ? छत्तीसगढ़ में तो सबसे ज़्यादा बस्तर इलाका में तो पूरे गहरा के गहरा विधायक आदिवासी हैं, आदिवासी विधायक हैं, तो फिर क्यों हम सबको इतनी तकलीफें झेलना पड़ा? उनको क्यों ये नहीं लगता है कि मेरे आदिवासी की बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है? तो क्या वो क्या कुर्सी के सत्ते में इतनी लालच बन के बैठ गए कि उनके साथ क्या, उनके समुदाय के साथ उसका कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं करते? यही है बस, एक सरकार हम आदिवासी को ढाल बनाया इसलिए क्योंकि वहाँ के पहाड़े जंगले जो हैं उनसे छीन के जो करोड़पति मतलब जो यानी जैसे अडानी जैसे
कंपनियों को दे सके, जिस बात के का ये लड़ाई है सिर्फ एक नक्सल के नाम पे आदिवासियों को मार के खत्म। तो मैम क्या आदिवासियों की जो है पॉलिटिक्स कर रही है सरकार? हाँ, पूरी तरह से राजनीति है हम आदिवासियों के लिए। हम आदिवासी मतलब सरकार के नज़र में कोई मानवता है ही नहीं है। अगर आदिवासी इतने महत्वपूर्ण होते तो आज इस तरह का इतना नहीं मतलब वो नहीं करते, क्रूरता के साथ उनका बलात्कार नहीं है। आज जैसा हम हैं, हमें तो टीचर थी ना, वोट बैंक की राजनीति। हाँ, बस वोट बैंक की राजनीति है और वही होगा। और पहाड़ों को छीन के बड़े बड़े कंपनियों को दिया जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस नक्सल के नाम से हमको मार दिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मर जाएंगे लेकिन अपनी जल जंगल जमीन आदिवासी नहीं देंगे। उनके विचारों को खरीदना सरकार की बस की बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हमारे साथ थी अभी सोनी सूरी जी, जो कि आदिवासियों की हमेशा से आवाज़ रही है, हमेशा से उनके मुद्दे उठाती रही हैं और कितनी बार आदिवासियों के हक अधिकारों की लड़ाई के लिए जेल भी जा चुकी हैं। मगर ये बहुत बड़ी दुविधा है कि आज जहां हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी से ही आती हैं और वो राष्ट्रपति बन जाती है, वहीं एक तरफ आप आदिवासियों के ये 2009 का जो जिनोसाइड हुआ था उस पर सुप्रीम कोर्ट की जो याचिका दायर करने पर हिमांशु कुमार जी जब याचिका दायर करते तो 5 लाख का जुर्माना लग जाता है। बहुत जिस तरीके की ये राजनीति हो रही है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज़। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, प्रेस क्लब दिल्ली।